अस्सलाम वालेकुम। आज हम फायर चिकन बनाएंगे विद चीज़ के साथ, जो कि बहुत अच्छा और टेस्टी होता है। थोड़ा सा स्पाइसी होता है, जो लोग स्पाइस को पसंद करते हैं, मिर्ची, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन इतना स्पाइसी नहीं है कि आप बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन लिटिल बिट स्पाइसी। इसके लिए हम 500 ग्राम, आधा किलो हम चिकन ले रहे हैं। ये चिकन आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा होगा, ये मैंने डी फ्रॉस्ट किया क्योंकि फ्रिज से निकाला, इसलिए ऐसा हुआ है। आधा किलो बोनलेस चिकन है, ये क्यूब्स कर लें। और 1 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 भी कर सकते हैं, ठीक है? 2 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1 टीस्पून पेपरिका है, रेड पेपरिका। 2 टेबल स्पून इसमें अदरक पाउडर है, 1 इसमें गार्लिक पाउडर है, 1 टीस्पून इसमें रेड मिर्चें हैं और 1/2 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर है, ठीक है जी? ये डिस्क्रिप्शन में लिख भी देंगे ताकि आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। हम इसमें ऐसे डाल देंगे। और इसमें चिली सॉस जो होती है वो हम 1 टेबल स्पून डालेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून चिली सॉस है, 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस है और 3 टेबल स्पून इसमें हनी है। ये थोड़ी इसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, लिटिल बिट स्वीट और लिटिल बिट स्पाइसी। और ये बहुत पसंद आएगा सबको, फैमिली को। आप एक दफ़ा ट्राई करो, ये बहुत जल्दी बन जाता है। ये मैंने इसको मिक्स कर देना अच्छे तरीके से, और इसको 15 से 20 मिनट्स के लिए आपने मैरिनेट करना है। कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, ठीक है? इसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके, और अब मैं इसको इसमें डालूंगी और मैरिनेट कर लूंगी। इसको मैंने मिक्स कर लिया, मैंने इसको प्लास्टिक में डाल दी। अब मैं इसको ऊपर से रैप करके 15 से 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दूंगी। बेशक आप किसी भी ठंडी जगह पे रख दें, नॉर्मल आधा घंटा करना चाहिए तो कर ले, वैसे 15 मिनट्स के बाद ज़रूरत ही रहती है। बाकी प्रोसीजर मैं आपको 15 मिनट्स के बाद दिखाती हूँ। मैंने ये ऑयल लिया है थोड़ा सा फ्राई पैन में, और आपको पता ही मैंने मैरिनेशन के लिए रखा था 15 से 20 मिनट्स। अब हम इसको डायरेक्ट ऑयल के अंदर डालेंगे और कुक करना स्टार्ट करेंगे। हम इसको हल्का सा ऐसा ऐसा टर्न करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। अच्छा, आपको याद होगा मैंने इसमें नमक नहीं डाला था। नमक अभी नहीं डालना, जब ये हाफ कुक हो जाएगा फिर हम इसमें नमक डालेंगे। और ये आपको पता है बोनलेस चिकन है और ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है, और ये आपकी फैमिली में सबको बहुत पसंद आएगा। मैंने इसको एक दफ़ा टर्न कर लिया है। अब हम थोड़ी सी आग हल्की रखेंगे, ठीक है? ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करेंगे, दरमियानी सी आंच रख के इसको कवर करके 2-4 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि अंदर तक, क्योंकि थोड़ी पीसेस थोड़े बड़े हैं तो ये ना अंदर तक थोड़ा हार्ड रह जाए। अब हम इसके अंदर राउंड अबाउट 1 चम्मच के करीब नमक डालेंगे। 1 टीस्पून की बात कर रही हूँ, उसकी वजह यह कि इसमें सोया सॉस था और सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है। 1 टीस्पून मैंने डाला है सॉल्ट, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। बाकी है, इट्स अप टू यू। बेसिकली सॉल्ट का टेस्ट होता है, आप इसको टेस्ट करके देख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि अभी और डालने की ज़रूरत है तो आप बेशक डालें। वैसे नमक इतना हेल्दी नहीं होता, थोड़ा ही यूज़ करें तो अच्छा है। मगर जाहिर बात है हर खाने का अपना टेस्ट है, उस पर जैसे आपको ठीक लगता है आप यूज़ करें। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू है, आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो काइंडली
सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, और अगर इसमें कुछ चीज़ पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी कुक हो चुका है क्योंकि इसको 5 मिनट्स हो चुके हैं कुक होते हुए, और चिकन आपको पता है जल्दी कुक हो जाता है। ये देखिए अंदर तक चला गया फोक। सो ये तकरीबन थोड़ा सा जो इसका मसाला है, इसी का अपना मसाला है। अब हम इसको लास्ट ट्विस्ट देंगे जिससे ये बिल्कुल ही टोटली चेंज हो जाएगा। मोज़रेला चीज़ यहाँ पे हम लोग को ऐसे मिलती है पाकिस्तान में, आपको मोज़रेला पैकेट्स में भी मिल जाएगा, नॉर्मल भी मिल जाएगा। आप इसको ग्रेट कर लें अच्छे तरीके से, कद्दूकश इसे कहते हैं, और वो इसके ऊपर जितना आप चाहें, इट्स योर चॉइस, लेकिन इतना ज़रूर होना चाहिए कि डिप हो सके। नमक इसलिए भी कम डाला था क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है, चीज़ सॉल्टी होती है, ठीक है, काफ़ी से ज़्यादा चीज़ ही होता है। ठीक हो गया, और इसके ऊपर हम ये ओरिगैनो स्प्रिंकल करेंगे। आपके पास है तो आप ज़रूर डालें, नहीं है तो ना डालें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें। और उसके बाद बिल्कुल लाइट, बहुत ही सबसे कम आग पर हम इसको रख देंगे। ताकि जब तक चीज़ मेल्ट हो जाए, ठीक है। चीज़ मेल्ट हो चुकी है, अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए ठीक है, आई होप ये आपको अच्छा लगेगा। और ये बेसिकली मैं दोबारा से आपको क्लियर कर दूं, ये एक्स्ट्रा स्पाइसी है और इसीलिए इसको फायर चिकन कहते हैं। और जिसको मिर्चें पसंद है वो खाए, लेकिन जिसको ब्लड प्रेशर का इशू हो काइंडली इसको मत खाए, फिर आप लोग मुझे कहेंगे मैंने मिर्चें खिला दी। सो प्लीज़ बी केयरफुल, अपने एहतियात करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो आप लोग अपने बच्चों का भी ख्याल रख सकेंगे। अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।